दोस्तों आज के समय में साउथ की सारी फिल्में बॉलीवुड के सर पे चढ़ के नाच रही हैं, तो वहीं बॉलीवुड वालों को खुद सामने से तारीफ करनी पड़ रही है साउथ की जितनी भी फिल्में आ रही है उन सभी की। तो वहीं हाल ही में आई ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा, जो कि लोगों समेत बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक लोगों की चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी है इस फिल्म को लेकर। तो वहीं इस फिल्म के ऊपर कई सारे बॉलीवुड स्टार ने अपना अपना रिएक्शन देते हुए भी सामने आते दिखाई दिए। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेट्टी ने जब इस फिल्म को देखा तो ये तारीफ करते नहीं थके ऋषभ शेट्टी कि उनका कहना था कि एक ही बंदा जो कि फिल्म की स्टोरी भी लिख रहा है, रोल भी प्ले कर रहा है, उसके बाद फिल्म के डायरेक्शन भी कर रहा है, ऐसा करना काफी हार्ड वर्क होता है और मैं उस बंदे की तारीफ करना चाहता हूँ जो कि इतने सारे काम खुद ही अकेले संभालता है अपनी एक फिल्म के ऊपर। वहीं शिल्पा शेट्टी ने जब इस फिल्म को देखा तो अपना रिएक्शन देते हुए दिखाई दी, वो भी मीडिया के सामने इंटरव्यू में। उन्होंने मीडिया को बताया कि जब मैंने कांतारा फिल्म को देखा तो मैंने एक व्यूअर्स की पसंद से देखा है और मुझे काफी ज्यादा ये फिल्म पसंद आई है। ऐसी फिल्में इंडिया के अंदर बहुत ही कम बनती है जो कि शॉर्ट फिल्में होने के बावजूद भी लोगों को इतनी पसंद आती हैं और मुझे इसका कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा है। और अगर बॉलीवुड वाले भी ऐसा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दे तो कंटेंट के ऊपर ही उनकी फिल्म चलने को स्टार्ट हो जाएगी। वहीं संजय दत्त भी अपना बहुत बड़ा एक रिएक्शन देते हुए सामने आए। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि मेरा अब जो विश्वास है वो बॉलीवुड से उठ चुका और मैं जो साउथ की ही फिल्में करने वाला हूँ। मैं आगे चल के जितनी भी फिल्में करूंगा, क्योंकि मैं साउथ को इतने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं आगे चल के साउथ की ही फिल्में करना चाहूंगा। हाल ही में आई साउथ की फिल्म KGF 2, संजय दत्त का एक बहुत ही अहम रोल निभाया था जो कि लोगों को सामने आती और लोगों ने खूब पसंद किया था उस रोल को। और रही कांतारा फिल्म की बात, तो भाई साहब कांतारा फिल्म तो कनाडा में चली हिंदी में भी अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही तगड़ा करते हुए आप सबको नजर आई रही होगी, जिसकी तवातोड़ कमाई हो रही है अपने इंडिया के अंदर। बाकी आपकी इस फिल्म के ऊपर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर, गुड बाय।